नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मिंग हेल्प चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ। और आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि रिव्यू कैसा लगा आपको। चलिए अब शुरुआत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। जी सर, मेरा नाम अजय, गांव पपनावा मेरा। हाँ जी सर, ये डीलरशिप डांड में काम करता हूँ मैं। जी सर, तो सब हाँ जी, तो सबसे पहले शुरू करते हैं सोनालिका DI 750 थर्ड के बारे में। तो आपने वन बाय वन करके इसकी एक एक करके स्पेसिफिकेशन इसकी बतानी है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इसके इंजन के बारे में। हाँ जी सर, यहाँ पे आ जाओ, मैं आपके इसके बारे में सब कुछ बताता हूँ। जी सर। सर इंजन है जो इसका 55 हॉर्स पावर का है। हाँ जी सर। ठीक है सर। हाँ जी। और जो मतलब इसका गेयर बॉक्स है, कंपनी ने मतलब बहुत ज़्यादा इसमें चेंजिंग कर की हुई है। हाँ जी सर। पहले हम सोनालिका कंपनी का ट्रैक्टर था जो, वो सिंपल हाई लो में आता था। जी सर। सर अभी कंपनी ने क्या किया, कस्टमर को ज़्यादा फैसिलिटी देने के वास्ते जी कंपनी ने इसको ABC गियर में बदल दिया। जी। जैसे हमारा ट्रैक्टर कहीं वाई आगे चलता है ना, तो उसके गियर सारे न्यूट्रल करने पड़ते थे बैक करने के लिए। अब ये ऐसा है सर, जितने गियर में लगा हुआ है, या पहला है या दूसरा है या तीसरा है, ठीक है, इतने गियर में ये वापसी हो जाता है सर। जी सर। ठीक है सर। हाँ जी सर। और अगर HP की यदि हम बात करें तो HP बता दीजिए एक बार देखने वाले को। सर ये 750 DI ट्रैक्टर है और 55 HP का ट्रैक्टर है सर। ये 55 HP में ट्रैक्टर आता है, ये DLX मॉडल आप हाँ जी DLX मॉडल है जी। और चार सिलेंडर है सर, ये चार सिलेंडर ट्रैक्टर है। और सर यदि हम बात करें फ्रंट टायर के बारे में, तो इसके फ्रंट टायर के बारे में आप बता दीजिए। सर फ्रंट टायर जी 716 का है ये अगला टायर। हाँ, और जो पिछला टायर है 1428 का है सर। रियर वाला जो टायर है वो 1428 का, और फ्रंट टायर इसका 716 का इसमें दिया गया है। हाँ जी। और सर यदि हम बात करते हैं तो इसके गियर बॉक्स के बारे में। सर गियर बॉक्स इसका बिल्कुल मतलब कंपनी ने जो पहला था उनसे अलग करके चेंजिंग करके सारा मतलब एक बढ़िया टेक्नोलॉजी से तैयार किया हुआ है। हाँ जी सर। सर और यदि हम बात करें इसके गियर बॉक्स के बारे में, तो थोड़ा सा गियर बॉक्स के बारे में भी जरूर बता दीजिए। सर ये गियर बॉक्स है जो, ये 24 स्पीड का गियर बॉक्स है जी। इसमें 12 गियर आगे और 12 पीछे है। ठीक है सर। ये हाथ में इस साइड का यहाँ पे वो दिया हुआ है सेटल। ठीक है सर। जैसे इसको आगे करेंगे तो आगे की तरफ चलेगा, और ये पीछे करेंगे तो पीछे की तरफ गियर चलेगा। 55 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है सर ये, चार सिलेंडर है जी। जो इसकी सर आपको मैं बता दूं लिफ्ट कैपेसिटी है जो जी, इसकी लिफ्ट कैपेसिटी है सर जो, ये 2000 kg है सर। 2000 kg की इसकी लिफ्ट कैपेसिटी इन्होंने बताई है। हाँ जी। कंपनी के द्वारा जो भी बताई जाती है वो जी। और सर यदि लीवर के बारे में बात करें, तो ये जो आप सामने देख रहे हैं इनमें क्या नया दिया गया है? सर ये जो लीवर के बारे में बता दूं मैं आपको, ये सर डबल डिस्ट्रीब्यूटर है सर जी। जैसे हम इम्प्लीमेंट को पीछे कोई भी प्रेशर वाला या हैरो, आजकल जो प्रेशर की नई तकनीक आई हुई है जी, तो कई बार हम ना इसके साथ जो ये लीवर है इनके साथ ही ट्रैली को मतलब जो ट्रैली की पाइप है जो जैक उठाने के काम करते थे जी, तो सर इसमें लग जाती है वो जी। ये अलग कंपनी ने अलग दिया हुआ इसको, ये अलग से दिया। और रिवर्स PTO भी इसमें साथ में दी गई। हाँ जी। लिफ्ट कैपेसिटी इन्होंने बता दी। तो एक बार इसका साइड से व्यू आपको दिखाना चाहूँगा। इस साइड से ये आप इसके रियर टायर देख सकते हैं। ब्रेक्स के बारे में यदि हम बात करें, तो ब्रेक्स के बारे में भी कुछ डिटेल। सर ब्रेक के बारे में ये बिल्कुल ऑयल की ब्रेक है, ऑयल इमर्स्ड ब्रेक। हाँ जी। ब्रेक इसमें दिए गए हैं, यानी कि पूर्णतया तेल में डूबे हुए। हाँ जी, तेल में डूबे हुए ब्रेक। हाँ जी सर। और सर प्लेटफॉर्म की यदि हम बात करें, तो काफ़ी अच्छा और खुला प्लेटफॉर्म इसमें दिया गया है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। और एक साइड से ये आप लैंप जो इसके बोल सकते हैं, इंडिकेटर और ये जो लैंप है, ये भी इसके काफ़ी अट्रैक्टिव लुक के साथ दिए गए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लोगो भी लगाया गया, ऑयल इमर्स्ड ब्रेक इसमें यहाँ पर लिखा गया। और ये इस साइड से आप चेक कर सकते हैं, 55 HP में ट्रैक्टर आता है। यदि सर हम बात करें इसके मीटर के बारे में, तो मीटर के बारे में भी थोड़ा सा कौन कौन से इसमें मीटर दिए गए वो बता दीजिए। सर मीटर इसमें है जैसे तेल को हो गया, और डीजल का हो गया, ऑयल इंजन ऑयल तेल का और डीजल का, और जैसे हीटिंग का मीटर है सर इसमें, और एक RPM का मीटर है सर इसमें। अच्छा जी। तो सर कंपनी ने इसकी मतलब अलग से बनावटी के दिखाने के वास्ते कंपनी ने इसकी LED लाइटें हैं, और ये बम्पर सारा कुछ ही आगे से चेंज किया हुआ है।
एलईडी लाइट्स, और ये बम्पर में थोड़ा चेंजिंग पहले से हमको देखने को मिली है, प्रो बम्पर जिसको बोला जाता है आमतौर पर। और आगे हम बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। यदि हम सोनालिका डीआई 750 थर्ड के प्राइस के बारे में हम बात करते तो ज़्यादातर एजेंसी में 20-25 हज़ार के आसपास, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे या स्टेट वाइज हो जाता है। तो एवरेज जो प्राइस यहाँ पर बताया जाता है वो आप बता दीजिए। इसका प्राइस है सर इसका 695 हज़ार रुपये, 695 हज़ार में ये आपको किसानों को मिलता है। तो कमेंट में भी आप बता दीजिए कि इसकी वीडियो आपको या इसका रिव्यू आपको कैसा लगा, और भी किस ट्रैक्टर का हम रिव्यू कर सकते हैं या आपको कौन सा पसंद है वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए।